देश के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका को लेकर खुलकर अपने विचार रखे हैं। सीजीआई संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में एसोसिएशन ऑफ इंडो अमेरिकन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में राजनीतिक दलों के बीच गलत धारणा है कि न्यायपालिका को उनके कार्यों को समर्थन करना चाहिए। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने शुक्रवार को कहा कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र अंग है जो अकेले संविधान के प्रति जवाबदेह है, न कि किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के प्रति जवाबदेह है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि देश में राजनीतिक दलों के बीच यह गलत धारणा है कि न्यायपालिका की राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहिए। सत्ता में मौजूद पार्टी यह मानती है कि सरकार का हर कार्य न्यायिक मंजूरी का हकदार है। वहीं विपक्षी दलों को उम्मीद होती है कि न्यायपालिका उनके राजनीतिक रुख और उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगी। सीजीआई रमन्ना ने कहा कि यह त्रुटिपूर्ण सोच संविधान के बारे में और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज के बारे में लोगों की उपयुक्त समझ के अभाव के चलते बनी है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने आगे कहा कि हम इस साल आज़ादी के 75वें साल का जश्न मना रहे हैं। हमारा लोकतंत्र 72 साल का हो गया है, तो कुछ अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हर संस्थान संविधान द्वारा सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पूरी तरह से सराहना करना नहीं सीखा है। सत्ता में मौजूद पार्टी का मानना है कि हर सरकारी काम न्यायिक समर्थन का हकदार है। विपक्षी दल न्यायपालिका से अपनी राजनीतिक पदों और कारणों को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के विचार प्रक्रिया से संविधान और लोकतंत्र की समझ की कमी से पैदा होती है। यह आम जनता के बीच प्रचारित अज्ञानता है जो ऐसी ताकतों के सहायता से आ रही है जिनका उद्देश्य एकमात्र स्वतंत्र अंग यानी न्यायपालिका को खत्म करना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि न्यायपालिका अकेले संविधान के प्रति जवाबदेह है। हमें भारत में संवैधानिक संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने अपने भाषण में सहिष्णुता और समावेशिता को बढ़ावा देने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस संबंध में उन्होंने अमेरिका का ही उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी समाज की सहिष्णुता और समावेशी प्रकृति है जो दुनिया भर में श्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने में सक्षम है, जो बदले में इसके विकास में योगदान दे रही है। अलग अलग पृष्ठभूमि से योग्य प्रतिभाओं का सम्मान करना भी आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है। समावेशिता समाज में एकता को मजबूत करती है जो शांति और प्रगति की कुंजी है। हमें इस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जो मुद्दे हमें एकजुट करते हैं, उन पर नहीं जो हमें बांटते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।